नमाज बेहयाई से कैसे रोकती है, मुनकर से कैसे रोकती है? देखिए, जब दिन में 5 बार आपका सामना हो बादशाह से, तो क्या आप अपने आप को दागदार रखेंगे? शर्म ही आएगी। किसी इंसान का दिल दुखाया हो तो उसका सामना हो कैसा लगता है? किसी की बुराई की हो और आज रात को उसी से मुलाकात होनी, और ये भी पता है कि उसको बात पहुंच चुकी है, क्या बनेगा? शर्म आएगी ना। किसी ऐसे का हक मारा हो ना जो पास ही नहीं, बाहर के मुल्क रहता है, हम कहते हैं देखा जाएगा, जब आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन जिसका हक मारा उससे सामना होना शाम को कैसे होगा? लाज होगी। हम हक तलफी नहीं करेंगे उन लोगों की जो हमारे इर्द गिर्द है, क्योंकि अभी उन्होंने आके पूछ लेना है। तो अल्लाह की जात पे कोई मिसाल नहीं है, लेकिन अपने ऊपर लीजिए। जब इंसान शऊर के साथ अल्लाह ताला के सामने खड़ा होता है तो ये मुमकिन नहीं कि वो नाफरमानियां करे। और याद रखिए, लफ्ज पर्दा, आप लोगों ने मुझे लफ्ज पर्दा दिया, नमाज और पर्दे पे बात करें। मैं ये सोचती हूँ कि पर्दा क्या है? आप देखिए ना, पर्दा लगा देते हैं, पर्दे कई किस्म के होते हैं, एक खिड़कियों पे लगाए जाते हैं, एक पर्दा आंख पे आ जाता है, मोतिये का पर्दा, एक वो पर्दा है जो एक औरत अपने आप को दूसरों से छुपाती है, एक वो खूबसूरत पर्दे हैं जो आप घर को मजीद खूबसूरत करने के लिए करते हैं, मुख्तलिफ तरह की चीजें है ना। आप देखिए कि जब अंदर हया होती है ना, अंदर हया होती है तो इंसान कभी भी बेपर्द नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने अपने लिए एक मियार रखा हुआ है, मुझे बड़ी हैरत होती है, और कब होती है? जब मैं किसी मुल्क में काफी अरसे के बाद जाऊँ, जैसे मैंने ह्यूस्टन में कई साल गुजारे हैं, फिर बहुत साल के बाद मैं जब वहां गई और कुछ लोग मिले जिनको मैं पिछले 10 साल पहले भी जानती थी, तो मेरी नजरें क्या टटोल रही थी, जो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, 10 साल बाद भी ये वैसे ही है। मतलब अच्छी है, मैं बुरी नहीं कह रही, लेकिन चेंज नहीं। जो दुपट्टे में आती थी 10 साल पहले दरसों में, आज भी दुपट्टे में, जो चादर ओढ़ के आती थी वो आज भी चादर में, जो स्कार्फ लेती थी आज भी स्कार्फ में, जो निकाब लेती थी वो आज भी। बहुत कम लोगों को देखा कि जो चेंज हुए होते हैं, लेकिन इसके बरक्स आज ऑफिस में एक बच्ची आती है, बाजू भी पूरे नहीं होते, कपड़े भी पूरे नहीं, खेच खेच के पीछे से कमर सीधी कर रही है और साइन करके जाती है कुरान के कोर्स में, फिर एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और एक दो पारों के बाद दिल की दुनिया बदली होती है। ये हम दिन रात देखते हैं, फर्क किस बात का है? उत्लुमाओं की अलई का मिलन टीका। आप चाहती हैं आपकी बच्चियां बा हया कपड़े पहने, आपकी नहीं मानेंगी, सीधी सी बात है। अब्बा से डरा लें, चलने डरेंगी, फिर उनसे भी मुंह मारी करेंगी। किसी दीनदार के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं जो आपकी बच्चियों के कपड़े बाहया कर दे। ये छड़ी उनके अंदर लाएगी कब? जब उनको खुद इस चीज का एहसास होगा कि हमारे रब ने हमें किस बात का हुक्म दिया। अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को जिंदा नमाजों और जिंदा कुरान के साथ जोड़ दे, खुद बहुत हया आ जाएगी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम्हारे अंदर हया की कमी हो जाए तो जो जो दिल चाहे वो कर लो। आज ऐसे ही हो रहा है, सच बताए, अपने ऊपर लेते हैं। हम मुसलमान हैं, मैं सऊदी अरब की बात नहीं कर रही, मुझे नहीं पता कि वहाँ जितना हिजाब और निकाब है वो किसी की च्वाइस है या और हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाके दिल तो खुश हो ही जाता है। लोग कहते हैं अंदर बहुत गंदे कपड़े पहनते हैं, तो आप क्यों अंदर उनको देख रहे हैं? बाहर के कपड़ों के अंदर हम सब नहीं कुछ पहनना होता है, तो कोई दूसरों को कहते हैं कि वो देखो? नहीं देख कहते ना, बाहर क्या पहन के निकलते हैं? आपको एक रंग दिखता है, एक कल्चर दिखता है। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारे पाकिस्तान का क्या हाल है? हमारा हिजाब, पर्दा, लिबास किस रंग का है? हमने भी खास सर्टन खूबसूरत तरीके का रंग रंग संभाला हुआ, इतना ही काफी है। और काला बाया पहले हल्के रंग में बदला, फिर रंग बदला, फिर बबाया चादर में बदली, चादर में मोती लग गए, मोतियों के सितारे लग गए, और फिर दुपट्टे के सूट के साथ ही का ये भी तो चादर ही है। ये हमारा क्या रंग बिरंगा इस्लाम है, मुझे कभी नहीं समझ आता। आप अंदर सोने जैसे कपड़े पहने औरतों में बैठे हैं, आप हीरे मोती जड़ लें, आप दक्की सलमा लगा लें, आप मुकैश कर लें, आप सुरख रंग पहन लें, पीला पहन लें, नीला पहन लें, मकसद है ना कि आप खुश हैं, बाहर वालों को क्यों परेशान करते हैं? देखिए, मैंने कभी इतना डायरेक्ट टॉपिक नहीं ये किया, लेकिन मेरा दिल कर रहा है क्योंकि आप सारे मेरे अपने हैं।
जब एक औरत घर की दहलीज से बाहर जाती है, सबसे पहले तो ड्राइवर से सामना होगा, फिर हो सकता है गेट मैन होगा, फिर बाहर से गाड़ी मुड़ेगी, जिधर से रस्ते में जो मिलेंगे, ये भी तब जब हम अपनी गाड़ियों में जाते हैं, फिर हम मार्केट में उतरेंगे, फिर गाड़ी से उतरते में हो सकता है हमारा भी सब कुछ खुल जाए, फिर जिस जिस दुकानदार से हम जाकर बातचीत करेंगे, हमारा बोलना, हमारा बात करना। किसी जगह मैं खड़ी थी, अपने स्कूल के किसी काम से हम गए थे, और मैं सोची थी कि हमारे कहीं जाने का मतलब और दूसरे किसी के आने का क्या फर्क है। औरतें उस आदमी से, जो दुकानदार से, ऐसे बातें कर रही थी वल्लाही कि इतना लाड और प्यार ना तो कोई सगे भाई से करता और ना शोहर से करता। जेवर बनवा रहे थे, हम गोल्ड की कोई ट्रांजेक्शन के लिए ज्वेलर पे गए और वहां मैंने ये मंजर देखा। तो मैं ये सोच रही थी इस औरत को बिल्कुल नहीं पता ये कैसे लाड कर रही है उससे। मैंने लेके जानी है, मैंने बनवानी है, तो मैंने ड्रेस करना, पहन पहन के दिखा रही है, कर कर के दिखा रही है, मशवरे भी उनसे ही करती है, साजरा कि नहीं साजरा, लग रहा अच्छा कि नहीं लग रहा। इसकी नजरों में कोई नहीं, और जवान बेटी साथ बैठी है जिसका जेवर बन रहा है। दुकानदार नमरत तो नहीं होते, और उनसे पूछती भी है कि साजरा कि नहीं साजरा। ये बेतकल्फियां किसने सिखाई हमें? ये जो हम दुकानदारों के साथ जाके इतनी प्यारी टोन में बात करते हैं कि हो सकता है मियां तरसता ही चला जाए दुनिया से कि कभी मेरे से भी सीधे मुंह बात कर लो। क्या लगते हैं ये दुकानदार हमारे? देखिए, अगर हमारी औरतें बाजारों के अंदर जाना कम कर देना, यकीन करें हमारे आधे से ज्यादा मसाइल खत्म हो जाए। यहाँ अगर बात छेड़ी है तो मुझे याद आ गया, मैंने अभी 2-2.5 माह गुजरे होंगे शायद, फ्रांस में पेरिस में एक लेक्चर दिया था शॉपिंग के आदाब और मामला, यानी शॉपिंग के बारे में हर चीज। मेरी उम्मीद से भी ज्यादा फायदा हुआ लोगों को, और मैंने नियत की थी तभी कि मैंने पाकिस्तान जाके इसकी 20-25 हजार सीरीज बनवा के बांटनी है हर गली नुक्कड़ पे। तो क्योंकि जितना शॉपिंग का क्रेज आज मैंने अपने मुल्क में खवातीन को देखा है, इतना बाहर नहीं है। हम सारा साल शॉपिंग नहीं करते, यहाँ भी आके अल्लाह बचा ही रखा हुआ है। वजह के अल्लाह घर बैठे जरूरतें पूरी कर देता है, लेकिन आप थोड़ा सा इस पे गौर तो करें। हमारी खवातीन जो बाजारों में जाके अपनी बेपर्दगी कराती है, ये जायज है? अबू बकर भेजते आयशा को, और उमर भेजते हफ्सा को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते खदीजा को, ना वो बाप भेजते, ना भाई भेजते, ना बेटे भेजते। जो बेतकल्लुफाना अंदाज हमारे बाजारों का है, मैं सच कहूं मैंने वेस्ट में भी नहीं देखा ऐसा। टू दी पॉइंट बात होती है, कीमतें लिखी होती हैं, रखी हुई है, कोई सेल गर्ल पड़ी है उसे जाके एंड पे काउंटर पे जाके पैसे दो आ दो, कोई किसी के माथे नहीं लगता। बड़े बड़े खुले खुले मॉल होते हैं, लोगों ने जाके अपनी पसंद की चीज उठानी है, चल पड़ना। ठीक है, उनकी मर्जी, वो क्या पहन के जाते हैं, वो कैसे हाल में, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। वो कुछ भी करे हमारे लिए हुज्जत नहीं है। बट आज मैं और आप अपने पाकिस्तान के शॉपिंग के तरीके को देखें। आप एक तो 25-30-40-50 हजार रुपया झोंक के आई, 50 हजार तो लेके एक औरत आज निकलती ही होगी अगर लोन के 4 जोड़े लेने जाती है, और शादी की तैयारियों में तो 4-5 लाख लेके निकलती होगी। वल्लाही ये कड़वे जुमले हैं, लेकिन ये सच्चे हैं। और एक शादी का जोड़ा बनाने के लिए ये मुझे लोगों ने गवाहियां दी, आप ही जैसे लोगों ने 10-10 चक्कर गाड़ियों का पेट्रोल फूकता है। कभी हम एक शहर में जाते हैं तो कभी दूसरे में, और फिर एक एक कपड़ा देखते हैं, फिर उस पर तनकीद होती है, फिर उस पर अपनी पसंद होती है, फिर जब वो बनता है तो वो वैसा नहीं बनता जैसा सोचा था, फिर हम लड़ते हैं, फिर बहस करते हैं, फिर उसमें कुछ चेंजेस कराते हैं। कहीं जाके एक दुल्हन का 2-4 घंटे का ड्रेस बनता है, और बस कितने का? इतने का, 5 का बस। चाहे आपने 1 का बनाया ना, लोगों को अपने 5 ही बताना है, क्योंकि कहा उसने 5। तो हम सच की बोले तो 5 लाख का जोड़ा बनाकर आप अपनी इज्जत करवा रहे हैं लोगों से या क्या? देखिए ना, किस चीज को सजाते हैं ज्यादा पैसों से, जिसके अपनी को वैल्यू ना हो। मुझे किसी के अपने बुजुर्गों में से मिसाल याद आती है कि पहले दौर के लोग भैंस को जब बेचना होता था ना, भैंस बेचने निकलते थे तो उसको सजाते थे, उस पर गोटी वाली चादर डाल देनी, को फुंदने शुंदने लगा देने, जरा सी के ऊपर मालिश कर देनी कि चमकती भी दिखे, क्योंकि जरा देखने में नजरों में आएगी, क्योंकि बेचारी भैंस जो वैसे को नहीं लेता। तो आप मैं 50 हजार का भी जोड़ा पहन ले तो हमारी करतूत या हमारी औकात बदल जाएगी? बात करें तो बंदे को समझ आती है ये पहना किसने, वह जोड़ा।
और जो स्टाइल बोलने के, देखिए मैं तनकीद ये नहीं कर रही कि आप ये ना करें, मेरा इस वक्त आपने खुद मुझे कहा, ये मुझे टॉपिक मिला था कि आपने नमाज और पर्दे पे बात करनी है, तो पर्दा किधर गया हमारा? आज हम मुसलमान औरतों का पर्दा किधर है? अमेरिका हमें कभी नहीं धमकी देता कि खबरदार पाकिस्तान में पर्दा किया मार दूंगा। कल मुझे कोई कह रहा था कहीं बात कुछ हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में तो हिजाब पे कोई बैन नहीं है, फिर भी लोग नहीं पहनते। देखिए फ्रांस बदनाम है, यूके में कोशिशें हो रही हैं बैन की, मुझसे एक एक मुल्क का हाल पूछ ले, हमारे हमसाए हैं सारे, किस मुल्क में बैन है, किस में 50 यूरो का खर्चाना है और किस मुल्क में लोग कहते हैं ड्राइविंग नहीं कर सकते, किस में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकती हूँ, हमारे इस मुल्क में तो कोई बैन नहीं। क्या यहाँ पर्दा है बैन, हिजाब बैन, अबाया बैन, कुछ भी नहीं बैन, क्यों नहीं पहनते? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जहाँ बैन है वो भी हमारे गुनाहों की सजा। ऐसे किसी ने लाड में पूछा कि मैंने आना है भाई नॉर्वे, तो मैं दाढ़ी जरा कर लू लंबी दाढ़ी के साथ, मुझे मिल जाएगा वीजा? तो जो साथ थे उन्होंने मेरे हस्बैंड की तरफ इशारा किया कि इसको देख लो, अगर दाढ़ी छोटी करने से वीजे मिल जाते तो सारे क्लीन शेव पहुंचे होते बाहर के मुल्कों में। कितना कच्चा ईमान है। किसी ने मुझसे पूछा, हमने सुना है वहाँ बड़ी पाबंदियां हैं बाहर के मुल्कों में, आपका क्या एक्सपीरियंस है? तो मैंने एक ही जुमला बोला था, जितना जितना हमारा ईमान कमजोर होता जाता है उतनी उतनी पाबंदियां लगती जाती है उस मालिक की सजा, कि तुम मेरे बंदे नहीं बने मैं तुम्हें बंदों का बंदा बनाऊंगा, तुमने मुझे मालिक नहीं समझा मैं तुम्हारे ऊपर दूसरों को मालिक बना दूंगा। किसकी जरूरत है कि मुसलमान को टके? मुसलमान तो इतना गयूर और इतना अपने काम पे जाने वाला, उसको क्यों रोक टोके कि खबरदार तुम्हारी बेटियां पर्दा नहीं कर सकती, तुम्हारी नंगी औरतें टांगे खुली हुई है, बाजू खुले हुए है, गले खुले हुए है, वो नहीं डिस्ट्रेक्शन पैदा करती, और अगर किसी ने सर को छुपा लिया तो मुश्किल होगी। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, और बिलीव मी मैं किसी तकाबुल की खातिर नहीं, हकीकत की बात करती हूँ कि आज वेस्ट में शऊर के साथ हिजाब और पर्दा करने वाली खवातीन की तादाद अपने मुल्कों की खवातीन से बढ़ती जा रही है। रिवर्ट्स और फ्रांस नाम ले लिया और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, इसीलिए नाम ले लिया, जहाँ के नाम लेकर लोग ये डराते हैं, हाय वहां जाके पर्दे ना करना मारे जाओगे, इमिग्रेशन पर रोक लिए जाएंगे। किसकी जरूरत है? कौन है जिसकी ये सब चीजें? लाही माफे समावाती व माफिर। तो वहाँ की एक सच्ची कहानी किसी ने शेयर की थी कि एक ग्रोसरी स्टोर था, जो भी मॉल का एक ग्रोसरी स्टोर है, तो वहाँ एक अरब औरत थी टिन पे बैठी हुई, टिन कहते हैं काउंटर को वहाँ, तो उसने देखा कि एक निकाब और हिजाब में एक औरत शॉपिंग करके आई और काउंटर पे आके चीजें देके पैसे लेने लगी। तो जो काउंटर पे बैठी अरब औरत मुसलमान थी, वो उस मुसलमान पर्दे वाली औरत को गुस्से से बात करती है, जो खुलासा था इंग्लिश की बात ही, जिसका खुलासा क्या था कि वो उसको हिजाब में देख के कहती है, अगर तुमने ये हिजाब पहनना है ना, निकाब पहनना है, तो गो टू योर कंट्री। वो टिल पे बैठी औरत ये सोच रही थी कि ये कोई सऊदी या कोई पाकिस्तानी कोई मुसलमान औरत है, तो ये फ्रांस में आके पर्दा कर रही है, तो वो उसको बुरा भला कहने लगी, उसने इग्नोर किया। फिर उसने उसको फिर एक दो चार कड़वा जुमला बोला कि तुम जैसी है नकाब वालों की वजह से हम पे पाबंदियां होती हैं, ये है वो है। जब उसने दो चार जुमले बोले ना, तो वो जो टिल पे लड़की आई थी ना, उसने अपना निकाब खोला और वो फ्रेंच थी, रिवर्ट थी, कहने की दिस इज माई कंट्री, यू शुड मूव टू योर कंट्री, ये मेरा मुल्क है, तुमने अगर ऐसी बातें करनी है तो तुम अपने मुल्क में जाओ। ये कॉन्फिडेंस है। आज अल्लाह की वो सुन्नत मुझे सामने आती दिखती है कि मैं यर्तद्दान दीन को, जो अपने दीन से फिरता है तो शौक से फिर जाए, अल्लाह ऐसी कौम ले आएगा जो अल्लाह से प्यार करेंगे और अल्लाह उनसे करेगा। आज रिवर्ट्स के अंदर जो ईमान है ना, मैं कहती हूँ आपको सहाबा याद आ जाते हैं, यंग होते हुए बच्चे छोटी छोटी काली दाढ़ियां, कभी आप उनकी आंखों में चमक तो देखें, ईमान का नूर देखें। मैं कहती हूँ जो वेस्ट में रहकर ईमान से जुड़ जाती है लड़की या लड़का, वो तो वाकई नूर नला नूर है, वो डायमंड क्रिस्टल है, उनसे बच्चों के रिश्ते करें आप। आप कहते हैं नहीं पता नहीं बाहर कैसा होगा इधर होगा, बाहर अंदर की बात ही नहीं है, ये मीडिया और गैजेट्स ने तो फर्क मिटा ही दिया है कि आप अमेरिका में बैठे हैं या पाकिस्तान के गाँव में बैठे हैं, सब एक ही सोच पे चल रहे हैं। तो हमें अपना मुहासबा करना है, क्योंकि इन सलात तनहाने पक्षाई वर्णन कर, पांच बार जाए नमाज पे खड़ी होकर
इहदिन सिरातल मुस्तकीम की दुआ मांगने वाली सिस्टर कभी अपनी इज्जत और इस्मत का सौदा नहीं कर सकती। भाव तो करने में भी बेहयाई होती। पर्दा सिर्फ कपड़े का नाम नहीं है, हया का नाम है, चलने का नाम है। लोच से बात करते हैं, बेतकल्लुफी से बात करते हैं, भाईजान भाईजान कहकर बात करते हैं, भाई बनाया हुआ ये बात करते हैं। मैं तो ये सिर्फ चार मिसालें सुनी देखी बाजार की दे रही हूँ, पूरी दुनिया में जाके देखिए, दफ्तरों में देखिए, स्कूलों में देखिए, कॉलेजेस में देखिए, कैंटीन्स में देखिए, होटल्स में देखिए, हर जगह आपको पर्दे का मजाक दिखेगा। वो सारी पाबंदियां खत्म हो गई और हैं हम नमाजी। ये कैसी नमाज है जो हमें नहीं रोक रही। देखिए आप गोली खाएं और असर ही ना हो, डिस्प्रिन खा रहे हैं असर नहीं हो रहा, और जो कोई और गोली खाए तो असर ना हो, दैट मीन वो गोली ठीक नहीं है। किसी ने ग्लूकोज की गोली को आपको वो नाम दे दिया। सर से पांव तक खुद को देखें। देखिए एक सिंपल सा तरीका है, जब घर से निकलें, या तो हमारे घरों में ऐसे डिफरेंट तरह से माहौल है ना, बाहर के मुल्कों में अमूमन जब घर से निकलने की जो जगह होती है ना, वहाँ एक छोटी सी गार्ड रूम कह लीजिए या वार्ड रूम कह लें, गार्डे रूम कहते हैं नॉर्वेजियन में उसको, यानी जगह बनी होती है जिसमें कोट लटका लो, अपने जूते रख लो, उसके सामने एक फुल शीशा लगा होता है। लोग अक्सर बाहर जाने से पहले अपने आप को देख रहे होते हैं कि हम ठीक लग रहे हैं कि नहीं। आप भी तसव्वुर में लाएं कि आप जब घर से निकल रही हैं तो आपके सामने एक मिरर है, बस सर से पांव तक ये देख लें कि मैं बाहर जिस हालिए में जा रही हूँ, मैं दूसरों को क्या दावत दे रही हूँ। और आगे गर्मी आने वाली है, अल्लाह हम सब पे रहम करे। वो पतली पतली लॉन के जोड़े और वो चिकन और छेदों वाली शलवारें और गर्मी और उसके बाद आप देखिए जितने कपड़े महंगे हो गए उतने सीख हो गए। आप दूसरों को आजमाइश में ना डालें। फिर इसमें आप देखिए कि सिर्फ कपड़े ही नहीं है जो बात आपको बड़ी अच्छी लगेगी अब, क्योंकि उसमें आपसे तवज्जो हट के दूसरों पे जा रही है, और वो है मर्दों की निगाहें। पटर पटर आंखों में आंखें डालकर देखने वाले मर्दों में मेरा ख्याल है हमारा मुल्क नंबर वन है। गुजरना मुहाल हो सकता है कि लोग इस तरह आंखें खोल के देखते हैं, है कि नहीं। ये दुकानदार हैं या बैठे हैं या चौकीदार हैं या रेड़ी वाले हैं या बाबे हैं या जो भी है, हमारे इस कल्चर में आप देखिए कि लोग एक दूसरों को घूरते बहुत हैं। ऐसा है, कुरान क्या कहता है, यवद्दु मिन अब्सारिहिम, ऐ ईमान वालों अपनी नजरें झुका लो, होगा क्या, यहफ़ज़ु फ़ुरूजहुम, तुम निगाह झुकाओगे तुम्हारी शर्मगाह खुदी महफूज हो जाएंगी। ये भी पर्दा औरत का पर्दा अगर चंद कपड़ों और हाल हुलियों में मबनी है ना, तो याद रखिएगा कि मर्दों का पर्दा निगाहों का झुकाना है। आप में क्या करें, पहली तो बात है कि आप अपने बच्चों को 7-8 साल की उम्र से ही इस बात की आदत डालें। और मैं देखती हूँ कि ये ट्रेनिंग घर से शुरू होगी। बच्चा माँ की तरफ देख रहा है, जवान बहन है, बच्चे सीखें कि बेटा लोअर योर गेज, नजरें झुकाओ, क्योंकि बच्चे जब कद भी बढ़ रहा होता है तो अक्सर आंखें खोल खोल के देखते ना, ये आप उनको समझाएं। और मुझे अक्सर कोई ऐसा 8-9 साल का बच्चा मिल जाए ना, बड़े प्यारे बच्चे होते हैं इस उम्र के, तो मैं उनको प्यार से ऐसे हाथ ऊपर कर दूंगी या करते थोड़ी कि इसको जरा सा नीचे रखो। जब घर में माँ बहन के सामने नजरें झुकी होंगी बाहर भी झुकेंगी, लेकिन हमारी नजरें तो मीडिया स्क्रीन के साथ ही जुड़ी होंगी। बाहर निकले तो बड़े बड़े बिलबोर्ड, आप सच बताइए नमाज पढ़ने वाली सोसाइटी के मुल्क में इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स हो सकते हैं? ऐसा लगता है कि एक बला आपके सर पे भी गिर जाएगी बड़े से मॉल के ऊपर से गिर के। मेरा कोई 50-50 फुट लंबी तस्वीरें आपके शहर में लगी हुई है और बेचारियां इतनी मेहनत कर रही है आपके लिए कपड़े बेचती है। उन्होंने अपनी इज्जत को, अपनी इस्मत को और अपने हर मामले को दांव पे लगा दिया कि खुदा के लिए ये जोड़ा खरीद लो तुम भी अच्छी लगोगे। क्या हम बाइकॉट नहीं कर सकते इन चीजों का? क्या हमारे पास कपड़े नहीं है? एक साथ करके तो देखें। मैं आप कहेंगे ना कोई नहीं मानेगा, 2-4 और मिल जाएंगे, इसी गली में एक दुकानदार हो, एक जाके कहेगा कुछ नहीं, दूसरा कहे नहीं, 10 लोग एक दिन में सेम बात कह के जाए तो सोचेगा ना, फैक्ट्री वाले को मैसेज देगा ना। देखिये हम तो खुश हो गए कि चलो हमें 60 डिजाइन भी मिल जाते हैं। देखिये बात समझ रहे मेरी, ये एक ट्रेंड है। आप और मैं मिल के आप अपना टाउन में बैठे ना, आप सारी सिस्टर्स ही नियत कर लें, इधर भी 2-4 कोई दुकानें तो होंगी ना कपड़ों की। हमने इस साल हर दफा जब भी कहीं जाए तो उनको ये मैसेज देकर आना है कि ये बड़ी बड़ी तस्वीरें खत्म कर दें, हमें ये मॉडल्स नहीं चाहिए,
पहले भी कपड़े पहनते थे कि नहीं लोग? ये भी आपको पता है कि पूरा माफी है। 1,000 का जोड़ा 5,000 में कैसे बदलता है आपने सोचा? जमीन तो वही कपास उगा रही है जो दुनिया में सबसे बेहतरीन कपास आपके मुल्क की, मेरे मुल्क की। ये जो 4,000 है ना, ये मार्केटर के पास जा रहा है, ये मॉडल के पास जा रहा है, ये उसको दूसरों की नजरों में पॉपुलर करने वालों की और ब्रांड की नजर में जा रहा है। पीछे है 1,000 का और मोहर देख के ही हम लेते हैं। हम कहते हैं नहीं, ये नहीं, ये ही लेना, चाहे वो 4 गुना महंगा है, चाहे कपड़ा उससे भी अच्छा, हम कहते नहीं लेना। तो आप और मैं अगर थोड़ा सा शऊर बेदार कराने के लिए ये जुमले बोलेंगे ना, आप देखिएगा कि वो आगे मैसेज भेजेंगे। ये तो पीयर प्रेशर, ये तो होता है जब एक दुकान पे ये बातें, दूसरी पे ये बातें, तीसरी पे ये बातें। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि वो कभी भी इसके बारे में नोटिस नहीं लेंगे। कौन सा दुकानदार है जो अपना पैसा जाया करे? मार्केटिंग का असूल है, सस्ती चीज ज्यादा बिकती है और महंगी चीजें कम बिकती है, प्रॉफिट उसमें ज्यादा होता है। अगर आप और मैं कहते हैं ये फालतू खर्चे कम कर दो, जोड़े की कीमत कम करवा दो, तो वो तो खुश होंगे ना। 5,000 का जोड़ा 5 खवातीन लेंगी, अगर 3 का कर देंगे तो हो सकता है कि वो 20 औरतें ले लें, उनका फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये शऊर पैदा करना है कि हम नाफरमानी करके कभी खुशी नहीं पा सकते। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अगर पर्दे की मद में ही हम इन चीजों को देखें, आम हालात में तो हम फिर भी ठीक होते हैं, घर में कंघी चोटी किए रहते हैं, चलो ठीक है, कोई इतनी तो हमारे अंदर रिएक्शन नहीं होती। जब हम सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं, सज संवर के जब अल्लाह की ये नेमतों को इस्तेमाल करके खुशियों के मौकों पे पहुंचते हैं, तब क्या काम करते हैं। ये भी तो एक बेपर्दगी की किस्म है। शादियों में हमारा बन ठन के जाना, पहन ओढ़ के जाना, पहले तो फिर भी खवातीन में ये शऊर था, आज भी माशाल्लाह मौजूद है। तुम कई ऐसे हिस्से हैं पाकिस्तान के जिसमें हिजाब में आती हैं और मर्दों की मोस्टली दाढ़ियां होती हैं, ऐसी कम्युनिटीज मौजूद है माशाल्लाह। लेकिन आप और मैं अमूमन हमारे अपने पंजाब के कल्चर की शादियों को अगर डिस्कस करके देखें, है उसमें कोई बेपर्दगी की चीज है? ये फोटो सेशन क्या है? जवान बच्ची आपकी, अभी उसके दूल्हा ने उसको नहीं देखा और एक ऐसा शख्स उसको देख रहा है जो उसके जिस्म के एक एक अंग की तस्वीरें बना रहा है। और ये मुझे 2-3 दिन पहले ही पता चला, 3-3 लाख रुपए का फोटो सेशन है। और पता नहीं उसके भी अब कितने दर्जे और किसमें निकल आई हैं। ये कल परसों कुछ साथी बातें कर रहे थे तो मैं पागलों की तरह सुन रही थी कि ये कह क्या रहे हैं। और कई फोटो सेशन ऐसे हैं कि उसमें इतनी इंतहाई खतरनाक किस्म की उनकी शर्तें माननी पड़ती हैं कि अल्लाह ही करे वो घर बस जाए तो बस जाए। क्या बनेंगे हम? हमें मिस वर्ल्ड का खिताब लेना, क्या हम चाहते हैं कि लोग हमें कहें मिस वर्ल्ड, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है? कह दें अल्लाह की नेमतों को अल्लाह की रजा के साथ इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा गुजरेगा। तो मेरा ख्याल है कि आप सब इन सारे डिफरेंट एंगल्स पे जरूर सोचेंगे कि नमाजी सोसाइटी फोहश और मुनकर से बहुत दूर होती है। और आप देखिए कि बहुत सारे हमारे सेटअप में गलतियां, हम बाहर वालों के बनते ठनते सजते और घर वालों के हम सही जज्बात की भी कदर नहीं करते। वजह क्या कि अब घर वालों के लिए कौन पहनने वाले? अब अपने शोहर के लिए भी कभी कोई अच्छे कपड़े पहनते बोला? इनको तो पता ही नहीं चलता, ये तो खुश ही नहीं होते। जहां से कुछ मिलना था उधर को छोड़कर हमने दूसरों के जज्बात को उभार दिया। फिर इसके बाद आगे देखें, अब इसके आप खुद सोचिएगा। मैंने सिर्फ आपके जहन के अंदर चंद कंकर फेंके हैं, वल्लाही मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा मुझे कहने की जरूरत है। आज से खुद सोचे मैं किस जगह कम हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है, और किसी को रोल मॉडल बना ले, फलां जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, फलां ये पहन सकता है तो मैं क्यों नहीं पहन सकती, और सो ऑन। और अगली बात वाला ज़िक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह कहते हैं और अलबत्ता अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा। अल्लाह के जिक्र जैसी दुनिया में कोई चीज नहीं। ये कौन सा जिक्र? अभी अल्लाह की याद। हम जिक्र किसको कहते हैं? अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जिक्र नहीं है। जिक्र वो जिसमें याद हो, तस्करा, जैसे आप कहते हैं ना मैं आपके जिक्र कर रही थी, याद कर रहे होते हैं ना, और ऊपर से वो शख्स आ जाता है। तो जब अल्लाह का जिक्र करे ना तो अल्लाह अपने पास महसूस हो। और यहाँ पर कि नमाज का भी नाम जिक्र है और कुरान का भी नाम जिक्र है, कुरान का जिक्र भी कहा जाता है।
जब दिल में अल्लाह की याद आ जाती है और अल्लाह का मुकाम आ जाता है ना, उसके बाद फिर कोई दुनिया की ताकत अच्छी नहीं लगती। हर वो काम करूंगी जहाँ तक मेरा रब राजी है। आप देखिए, कपड़ों के बाजू उतरे, गले खुले हुए, शलवारों के टखने कट गए, घुटने खुल गए, चुस्त पजामे आ गए, ट्राउजर से आप कह लीजिए कि वो क्या टाइट्स पे चले गए, सी थ्रू पे चले गए, चमड़ी पे एक और चमड़ी पड़ गई, किसी के कान में जू तक नहीं रही। यही वो मुल्क है कि जहाँ सिर्फ एक या दो साल की उम्र तक की बच्चियों की लेगिंग्स मिलती थी, आपको भी याद होगा, जिसके साथ ही नीचे सॉक्स भी जुड़ी होती थी, लेगिंग बोलते थे उसको हम लोग। आज आपकी 20 साल की बच्ची की लेगिंग्स बिक रही है उस गली गली, सड़क सड़क, और खाल के ऊपर एक खाल है, और आपकी बच्ची की थाइस कितनी है, हिप्स कितने हैं, उसके नीचे कितने हैं, उसकी फिर नीचे पीछे पिंडलियां कितनी है और उसके पाँव कितने, जाइए अपने ड्राइवरों से पूछ रहे हैं। खानदान के जिस बच्चे से कहें सुनाओ फुना कजन की कमर कितनी है और उसके हिप्स कितने हैं, उसने मेरा ख्याल है वो बता सकता है। ये किधर से आ गया? ये तो मुसलमान का बर्ता नहीं था। वो कपड़े जो कभी को घर में नहीं सोच सकता था, वल्लाही घर में कह रही हूँ, कोई मियाँ बीवी रहते हैं साथ जॉइंट फैमिली सिस्टम में, कमरे में जाके कोई नाइटी के नाम पे कोई चीज पहन ले, कोई ट्राउजर पहन ले, वो उसकी खुशी है। वो कपड़े जो कभी बंद कमरों में थे, घर में भी नहीं आ सकते थे, आज वो गली गली फिर रहे हैं कपड़े, और शर्म और हया की नाम की कोई चीज नहीं दिखती हमें, और माएं खरीदती हैं क्योंकि उनकी बेटियां उनके ख्याल में अगर ये नहीं पहनेंगी तो मुआशरे की दौड़ से पीछे रह जाएंगी। देखिए, अक्ल भी तो बंदे को कुछ समझाती है ना, अगर दीन की बात ना भी समझ आए तो अक्ल तो समझाती है ना। खाल के ऊपर आप एक और खाल चढ़ा लेंगे तो वो कोई इतनी अहम चीज तो नहीं आपने कर ली। इन सब कपड़ों का बायकॉट करने की जरूरत है, चीर दे, फाड़ दे इनको, इनकी वो तपड़ियां बना लें घर में, झाड़ू पोछे में काम आएंगी, सफाई में काम आएंगी, लेकिन आप अपनी बच्चियों की हया को खत्म ना करें। घरों में जिना होगा जब ऐसे कपड़े होंगे, ये बात लिख लें, और ये शवाहिद मौजूद है और हदीसें मौजूद है कि क्यामत के करीब मुहर्रमात से जिना होगा। टेम्पटेशन इतनी है, कहां से फिर अपने जज्बात को पूरा करें। एक तरफ तो शादियां हो नहीं रही क्योंकि हमारे मियार बड़े ऊंचे हैं, और दूसरी तरफ शादियां हो भी जाएं तो उसके बाद हमें बहुत सारी अट्रैक्शन दिखती है। जिंदगी के मकसद से खोए, और मैं आखिरी बातें करना चाहती हूँ क्योंकि मौजू बड़ा कड़वा है, और वो क्या है कि ये सारे असरात जो हमें दिख रहे हैं ना, ये मकसद से भटकी हुई कौम की अलामतें हैं। हमारे पास कोई फोकस नहीं है। आप बिलीव मी, मैं गोरों की तारीफ नहीं करना चाहती, आप किसी मुल्क में दुनिया में जाएं जिसको आप और मैं हवाई चप्पल कहते थे, कभी चप्पली होती थी ना, हवाई जूती, वो पहन के फिरते हैं ये लोग। एयरपोर्टों पे चल जाएं, मॉल में अगर चले जाएं, रोड्स पे चले जाएं, दे डोंट केयर। एक जूती उनके लिए काफी, जब तक वो चल रही नरम, वहां की चप्पली भी महंगी है मिसाल है, लेकिन उन्होंने वो पहनी है जिसपे वो चल सकते हैं। दो चार ड्रेस फीके गोले काले, और आपको तो अपनी शादियों में वो कपड़े किराए पे लेके पहनते हैं, शॉप्स हैं, वेडिंग ड्रेस जाएं आप, $100-200 दें, आप लेके आ जाए, पहन के वापस करें, वो उसको ड्राई क्लीन करके फिर रख देंगे। गोरों को पता चले कि आज हम मुसलमानों का एक एक ड्रेस दो दो तीन तीन चार चार लाख रुपए का बनता है, वो तो हम एट दे नहीं छोड़ते, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठी हमसे मदद ले रहे हैं, इनके पास बड़ा पैसा है। वो रियलिस्टिक लोग है, उनको कोई केयर नहीं है। आप कभी उनके घर उनके कपड़े देखे, ऐसे लगता है मुखलिस और कलाश, उनके अंदर जेबों में कुछ नहीं होता, वो अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं। खा लो, वेकेशन पे चले जाओ, समर प्लान बना लो, उनके बारे में मशहूर है कि सारा हफ्ता जो कमाते हैं वो वीकेंड पे खा पी के आ जाते हैं। क्यों? कि उनके पास एक मकसद है, हमारे पास मकसद नहीं है, लॉस्ट हम। फिर हमें समझ नहीं आता, फिर हम जाके शॉपिंग कर आते हैं, फिर हमें नहीं समझ आता आप क्या करें तो हम किसी फंक्शन में चले जाते हैं। जितनी सोशलाइजिंग आज हम मुसलमानों में, इसका तस्वीर भी नहीं है बाहर की दुनिया में, वजह के दे कैंट अफोर्ड इट, टाइम ही नहीं है इतना, और इतना पैसा। जो किसी ब्रदर से ऐसी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा अभी अभी मेहंदी के खाने का ऑर्डर 3 लाख रुपए में देके आया हूँ, अभी अभी कोई बात हो रही थी आपस में लोगों की, तो मैंने कहा इसका मकसद क्या,
इसके बाद होना क्या है? ना लड़की ने ससुराल में पहुंच जाना है, ना वलीमा है, ना शादी। ये मेहंदी में 3 लाख का सिर्फ और जो सेटअप ऑर्डर दे आए, पता नहीं अब उसमें 2 लाख और भी बाद में जाना ही होगा ना। इसका मकसद क्या? सोचते ही नहीं है और खुद भी परेशान। एक शादी पे घूम घूम के 4-5 दफा आप जाते आते हैं, सिर्फ खाना ही खाते हैं और क्या करते हैं? कपड़े दिखाते हैं, पहनते हैं, कितना गाड़ियों का पेट्रोल लगता है। और मैंने खुद देखा है 4-4 दिन एक एक शहर से दूसरे शहर में गाड़ी जाती भी आती भी है। चलो टिक के बैठ जाओ, 4 दिन मजा करो, भाई बहन है, दिल लगे, खुशी। चलो भाई हलीम का देखता पका लिया, सारों ने खा लिया, निहारी बनी खा ली, फिर तो मजा आता था। पहले ऐसी शादियां होती थी, आपका पोटला उधर पड़ा है, आपका उधर है, सब बैठ के एक सादगी से घर में बैठे। आज वो भी नहीं है, जाना रात को घर है, चाहे 4 घंटे सफर करना, अगले दिन फिर आना, नहीं अपने घर का कम्फर्ट है क्योंकि वहां कमरा नहीं मिलेगा। मिसाल दे रही है आपको, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। कहने का मकसद है कभी शादी हॉल में बैठकर पूछे खुद से मकसद, वक्त का कितना जिया। और वल्लाह ही दीन के लिए अगर हमें एक दफा भी निकलना पड़े, हम 10 दफा सोचते हैं राइट नहीं, कौन जाए, दूर बड़ा है, हमें यहाँ से हो सकता है ये मोड़ तक जाना भी दूर लगे, मकसद नहीं है। वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, जिसके दिल में अल्लाह के जिक्र की बड़ाई होगी उसको हर रास्ता आसान है। उसको फजर से लेके ईशा तक 5 नमाजों के लिए अगर मस्जिद में 10 मिनट की ड्राइव भी करनी पड़े तो जाएगा। हमारे ट्रेंड बन चुके हैं, शादियों पे जाना ट्रेंड है, मंगनियों पे जाना ट्रेंड है, दावतों में जाना ट्रेंड है, कोई फौत हो जाए तौबा तौबा, हो ही नहीं सकता आप ना जाए, इमरजेंसी कॉल करें, कुछ सारा खानदान उस फौतगी पे पहुंच जाएगा। आप क्या लेने आए हैं? नहीं जी, लोग कहेंगे ये मरने पे नहीं आए, कब के बिछड़े वहां जाके मिलते हैं। ट्रेंड नहीं है मस्जिद में जमात से जाने का, नहीं बाद नमाज से जाने वाला तरस रहता है कि कोई मुझे गाड़ी में ले जाए, नहीं जाते लोग। फजर तो बहुत ही बड़ी बात है कि फजर में तो उठ जाए, जिसको जाना है वो जाए। बच्चों के स्कूल के लिए गाड़ियां निकलने का ट्रेंड है हमारा, शॉपिंग बेगम करने जाती है ट्रेंड है, बुटीक पे जाना है ट्रेंड है, पार्लर पे जाना है ट्रेंड है, ज्वेलर पे जाना है ट्रेंड है, लेकिन कुरान क्लासेस में जाना ट्रेंड नहीं रहा, दीन के मदरसों को बात करना ट्रेंड नहीं रहा। और जितने रिसोर्सेज वल्लाही जितने रिसोर्सेज अल्लाह ने हम मुसलमानों को दिए, मैं बगैर किसी झिझक के कहूंगी जितने हम पाकिस्तान वालों को दिए इतने किसी के पास नहीं होते। ये सिर्फ एक नाम है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है, वल्लाही पाकिस्तान अमीर लोगों का गरीब मुल्क है। अगर ये मेरे आपके रिसोर्सेज सारे जुड़ जाए अल्लाह के रस्तों में, ये सारा कुछ जिंदा होगा, वाला जिक्रुल्लाह अकबर की तफसीर हो जाएगी। और आखिरी बात, वल्लाहु यालमु मा तस्नू, इसमें मुझे नहीं बोलने का हक, वो मालिक खुद ऊपर से कह रहा है, और अल्लाह खूब जानता है जो तुम करते हो। ये मुझे कह रहा है अल्लाह कि दूसरों को बड़ी खूबसूरत बातें कह रहे हो, जरा अपना हाल भी देख लो, जो मैंने किया, जो मेरे हालात है, जो मेरी प्रायोरिटीज है अल्लाह को बता। प्रायोरिटीज का फर्क है, किसी के लिए एक चीज अहम है वो उसके लिए कोशिश करता है। कुरान में आता है कुल्ली या मरु अला शाह की लती, सूरत बनी इसराइल में आता है, सूरत बकरा में आता है, वली कुल्लिन विजहुन वहुवा मुवल्लीहा, हर एक का एक विज है, विज कहते हैं फोकस, फोकल पॉइंट, हर एक का एक फोकल पॉइंट है, वो उसी के विर्द घूम रहा है। आपको दीन अच्छा लगता है, आप दीन के लिए निकलने के लिए तैयार है, माशाल्लाह आपको दीन अच्छा लग रहा है, और किसी के लिए ये तसव्वुर ही नहीं कि आप सफर करें दीन की बात सीखने और सिखाने के लिए। तो ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे पर्दे रख दे, हमारा दिल बात बदल दे, हमें सोचने वाली कौम बना दे, हम इस कुरान की तिलावत को ऐसे करें कि दिल पे गिरे। अबू बकर के बारे में हजरत आयशा फरमाया करती थी कि कान अबा बकर रजुलन बुकान, अबू बकर बड़े रोने वाले शख्स थे, उनको अपनी आंखों पे इख्तियार नहीं रहता था जब वो अल्लाह का कुरान पढ़ते थे। लोग परेशान हो जाते थे इस बात पे कि अबू बकर इतना प्यारा कुरान पढ़ते हैं कि हमारे हमसाए और बच्चे और औरतें मुसलमान हो रही हैं इनकी आवाजों पर। अबू बकर घर में ना पढ़े, अब जाए बाहर ही पढ़े, क्योंकि हम पे आपके कुरान का असर हो रहा है। वो तलब का बात ही है जब कुरान समझ आता है। अकीम सलाह, अपने बच्चों से लेकर अपने घर के एक एक फर्द पे नजर रखिए, किसने पढ़ी है किसने नहीं पढ़ी, ये आपका मेरा फर्ज है। और उसके बाद फिर नमाज का असर क्या, उसके असरात, ये कोई डंडे के जोर से करने वाली बातें नहीं है, ये अंदर पैदा करें, सोच पैदा करें, इंशाल्लाह
अल्लाह के नबी ने माशरे का तस्किया कर दिया था। ये कुरान ही है, इमाम इब्ने तैमिया फरमाते हैं कि इसी कुरान ने पिछले दौर में इस्लाह की थी और यही बाद के दौर में इस्लाह करेगा। आज भी इंशाल्लाह ये कुरान से जुड़ना है। सारी बातों के बाद एक चीज आप करना चाहते हैं तो कुरान से जुड़ जाए, बस उसके बाद कुरान खुद ही आपसे मुझसे काम ले लेगा और फिर उसके बाद अल्लाह के जिक्र को बुलंद करेंगे और अल्लाह मुझे आपको जानता है। दुआ करते हैं कि जो भी कहा सुना है उसमें अल्लाह अकबर को कबूल करे। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا الله يا رحمان يا رحيم يا مالك يا قدوس ہماری خطاؤں سے درگزر فرما یا اللہ ہمیں پکا سچا ایمان عطا فرما یا اللہ دنیا میں بھی ہمارے عربوں کو ڈھانپ دے اور آخرت میں بھی ڈھانپ دے سب ساتھیوں کے دلوں کی جائز خواہشات اپنی رحمت سے پوری فرما اور جو ساتھیوں نے کوشش کی جو بلایا بٹھایا یا اللہ سب کا قبول فرما یا اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرما اور یا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تیرے ذکر کو بلند کرنے والے بن جائیں یا اللہ جو بھی غلطی ہوئی اس کو معاف فرما جو دنیا سے چلے ان کی بخشش فرما اور یا اللہ ہمارے ماں باپ کی زندگیوں میں سہولت عطا فرما اور یا اللہ جو بچوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ جن کے گھر ٹوٹ رہے ہیں ان کے گھروں کو ٹوٹنے سے بچا ہدایت کے ساتھ اصلاح فرما دے اور یا اللہ جو بچیاں بن جوڑ کے بیٹھی ہیں ان کو بہترین جوڑ عطا فرما یا اللہ ہمیں با مقصد قوم بنا یا اللہ ہمارے اس ملک کو یا اللہ دشمنوں کی نظروں سے بچا یا اللہ ہمارے برے اعمال کے کرتوتوں کے اثر سے بچا یا اللہ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا بنا دے یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے اس خوبصورت تحفے کو قبول فرمائیں یا اللہ جس نے جہاں جس دعا کے لیے کہا اس کو قبول فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم و صلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ سبحانک اللہم۔